डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूरो पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं, ये वो ड्रग्स होते हैं दैट बाइंड टू निकोटेनिक रिसेप्टर्स दैट बाइंड टू निकोटेनिक रिसेप्टर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मीन जो हमारे निकोटेनिक रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, ये उधर बाइंड हो जाते हैं और उनका इफेक्ट ब्लॉक करते हैं। मीन जो हमारा स्टाइल कोलिन इफेक्ट दिखाता है वहाँ पर इसके रिसेप्टर्स को के साथ बाइंड अप होने पर, ये उनका इफेक्ट ब्लॉक करते हैं। अब हम इस सेशन में देखेंगे कि ट्यूबरक्यूलिन जो होता है, जिस जो एग्जाम्पल है हमारे पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ट्यूबरक्यूलिन, ये जो ट्यूबरक्यूलिन होता है, ये इसको ऑब्टेन हम करते हैं फ्रॉम ए प्लांट दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोसम। ये एक प्लांट है जहाँ से हम ये ट्यूबरक्यूलिन ऑब्टेन कर पाते हैं। अर्लियर इट वॉज़ यूज्ड एज ए क्यूरियर। जब पुराने ज़माने में क्या होता था, क्यूरियर वॉज़ यूज्ड एज एन एरो पॉइजन। उस ज़माने में क्या करते, जो शिकारी लोग होते थे वो अपने एरोज में क्या लगाते थे, पॉइजन लगाते थे, जिसकी वजह से दैट काज्ड पैरालिसिस ऑफ एनिमल्स। ये जब देखा गया, रिसर्च की गई, इस क्यूरियर सब्सटेंस में पाया गया, फिर एक्टिव एजेंट जो इसमें पाया गया, दैट इज़ ट्यूबरक्यूलिन। आज हम इसी ट्यूबरक्यूलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे और इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देखेंगे। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो ट्यूबरक्यूलिन होता है, ये कैसे एक्ट करता है। इट एक्ट्स एट निकोटिनिक रिसेप्टर्स टू प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एस्टाइल कोलिन। यानी कि ये हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे खुद बाइंड होता है और प्रिवेंट करता है एस्टाइल कोलिन के बाइंडिंग। नॉर्मली अगर हमारे, इफ दिस इज अ रिसेप्टर, अगर ये हमारा रिसेप्टर है, इस पे हमारा एस्टाइल कोलिन आ जाता तो ये अपना इफेक्ट दिखाता, ये हमारे को कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये ड्रग मॉलिक्यूल इस पे बैठता है। मींस इफ दिस इज़ ए ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड्स टू दिस साइट एंड एस्टाइल कोलिन इज़ अवॉइडेड। एस्टाइल कोलिन को बाइंड अप नहीं होने देते हैं, जिस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती है। अब ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये आयन चैनल्स होते हैं। मीन्स इनके मेम्ब्रेन पे आयन चैनल्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, आयन चैनल्स एलो द एंट्री ऑफ सोडियम आयन्स। ये जो आयन चैनल्स होते हैं, इसमें सोडियम की एंट्री होती है, जिस वजह से सेल्स की डीपोलराइजेशन होते हैं। डीपोलराइजेशन होने का मतलब है कि एंट्री ऑफ सोडियम आयन्स आती है, विच वी कॉल एज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होती है नॉर्मली एस्टाइल कोलिन्स के बाइंड अप होने से। अब ये जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है, ये सोडियम की एंट्री होने नहीं देता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट एस्टाइल कोलिन। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी सेल्स की रिलैक्सेशन होती है। मींस देयर इज़ ये नॉन डिपोलराइजिंग होते हैं। जब सोडियम आयन्स सेल के अंदर आते नहीं है, उस वजह से नॉन डिपोलराइजिंग कहलाते हैं। तो
तो कंट्रैक्शन नहीं होती है, तो ये अपना रिलैक्सेशन दिखाते हैं। अब इनका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, मींस ये जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज कंपाउंड्स स्लोली डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर्स, ये स्लोली डिसोसिएट होते रिसेप्टर्स से एंड ट्रांसमिशन इज रेस्टोर्ड ग्रेजुअली मीन्स ये स्लोली डिसोसिएट हो जाते हैं, फिर वापस हमारा ट्रांसमिशन रेस्टोर हो जाता है, फिर वापस हम कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्यूबरक्यूरिन। नाउ कमिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में क्या देखा गया है, ये जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, ये अपना इफेक्ट पहले दिखाते हैं ऑन द स्मॉल मसल्स लाइक वी हैव आईज फिंगर्स एंड फेशियल मसल्स इनके इन पर पहले इफेक्ट आएगा। उसके बाद किस पे इफेक्ट आता है, दिस इफेक्ट इज फॉलोड बाई दोज ऑफ लिम्ब्स एंड ट्रंक एंड लास्टली इट इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी मसल्स। लास्ट इफेक्ट कहाँ पे आता है, लास्ट इफेक्ट इज ऑन रेस्पिरेटरी मसल्स लास्ट में इफेक्ट होती है। अब इनके जो रिकवरी होती है, रिकवरी ऑकर्स इन रिवर्स ऑर्डर, मींस पहले रिकवरी रेस्पिरेटरी मसल्स की होगी और लेटर ऑन बाकी छोटी छोटी मसल्स की लास्ट में रिकवरी होती है। ये था एक्शन ऑफ द ट्यूबरक्यूरिन। अब दूसरा इफेक्ट इसका क्या आता है, इट रिजल्ट्स इन द हिस्टामिन रिलीज क्या करते हैं, ये जो ट्यूबरक्यूरिन होता है, इट कॉजेज हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास सेल्स से हिस्टामिन आता है, जिसकी वजह से क्या आता है, ब्रोंकोस्पाज्म आ जाता है और इंक्रीज्ड सिक्रीशंस किसकी आती है, इंक्रीज्ड सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस भी इंक्रीज हो जाती है और ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस भी इंक्रीज होती है। दिस इज अबाउट द एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। अब ये जो ड्रग्स होते हैं, इट शुड बी गिवन इधर इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावीनियसली, इनको हम ओरल रूट से नहीं देते बिकॉज दे आर नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड। नाउ कमिंग टू द एडवर्स इफेक्ट्स में क्या देखा गया है, इट कॉज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होती है और प्रोलॉन्ग्ड एपनिया मींस मतलब ब्रेथलेसनेस फील होती है। एंड नेक्स्ट क्या होता है कि चूँकि इससे क्या होता है, मास सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है, वो क्या क्रिएट करता है, दैट कॉजेज फ्लशिंग एंड ब्रोंकोस्पाज्म बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास सेल्स। दिस इज अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स। और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस को ठीक करने के लिए हम उधर देते हैं नियोस्टिग्मिन इज अ ड्रग विच कैन कॉज रिवर्स ऑफ द स्केलेटल मसल पैरालिसिस। दिस वॉज अबाउट द ट्यूबरक्यूरिन। फॉर फर्दर डिटेल्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।